अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दोस्त फिर तुहाडी खिदमत आ जाना बड़ी दिलचस्प वीडियो लैके। दोस्तों अज्ज वाली वीडियो साडी फिर है सोलर पैनल ते। दोस्तों ए सोलर पैनल साडे चक 66 ml ते सब तो पहले जिहड़ा सोलर पैनल लगा सी ओह पैनल आ। दोस्तों ए भाई कुरबान जट दे डेरे ते पैनल लगा, जट बरादर आ। सब तो पहला 66 ml च लगन वाला पैनल, सोलर पैनल जिहड़ा साडे चक च सब तो पहले जिस भाई ने सोलर पैनल की इंस्टालमेंट की थी, वह बंदा जिन्हें की थी भाई, इन्हें साडे इलाके च सोलर पैनल मुतारफ करवाया सी। मकसद पहले लोगों को पता तो पहले भी थी, लेकिन इस भाई ने लिया के प्लेटा 450 watt वाली प्लेट इस भाई ने लिया के लाइया सी, 38 plates इस भाई के लाने तो बाद फिर इनू देख के लोगों ने इस पास रुझान गया सी। लोगों का प्लेटा आला बोर लाने का जो सोलर सिस्टम इस भाई द्लेटा देखने तो बाद साढ़े इलाके ट्रेंड चलिया, हूँ साढ़े इलाके हर दूसरे तीसरे घर सोलर पैनल लगा हुआ। दोस्तों इस भाई की 20 horsepower की मोटर आ, बड़ा ही पानी है, बहुत जबरदस्त पानी है। दोस्तों भाई ने बड़ा खाडा मारिया अगे जिन्हों हो कहने अभी, बाकी बोरों दोटिया छोटिया, लेकिन भाई के बोर का बड़ा पानी देखो दोस्तों किस तरह, यकीन करो बहुत बहुत जबरदस्त पानी है। साढ़े चक च सब तो पहले लगन वाला सोलर बोर है जोड़ा कि दोस्तों भाई उन्होंने अपने हिसाब ना जी बड़ी जबरदस्त सैटिंग की है। 20 horsepower की मोटर आ भाई, उन्होंने इतने डेरा बनाया, इतने जानवर वगैरह भी रखे आ, अपने रकबे सोलर पैनल लाया उ इतने भाई उन्होंने सोलर पैनल तो बोर भी चलाते, बोर तो हट के भाई उन्होंने इतने आटा वास्ते चक्की भी लाई हुई है। दोस्तों चक्की तो हट के भाई उन्होंने इतने AC भी लाया हुआ, बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया। मकसद इतने एक बंदे की रिहायश रखी हुई भाई उन्होंने। अजकल कुछ हालात इस तरह के आ, महंगाई का दौर आ, प्लेट की कीमत भी तुहानू पता 40 to 42 thousand rupees, मोटर 1.5 to 2 lakh की अच्छी मोटर, इनवेटर 1.5 lakh का। दोस्तों कोई एक पुरजा भी चुक के लै गया तो बस काम बराबर आ, इस वजह तो इतने रिहायश रखी हुई है। दोस्तों यह देखो चक्की लगी हुई भाई उन्होंने, एको जगह पर मोटर फिक्स की है, अगे पिछे वाला सिस्टम नहीं है, इतों बोर वाला पटा पटा ला देंगे दोस्तों, तो चक्की वाला पटा मोटर की पुली तो चाढ़ देंगे, एको जगह पर मोटर फिक्स है दोस्तों, इतने लगे हुआ पक्का। इन्होंने पैनल बनाए हुए, पैनल भी एको जगह पर फिक्स है, बहुत सारे लोगों ने ट्रालियां बनाईया। ट्रालियां का मकसद यह है ना, सोलर पैनल की मजबूती ज़्यादा होंगी थोड़ी जी, तो ट्राली का यह बेनीफिट हों कि अगर एक तो ज़्यादा मुरबा या रकबा है तो एक जगह तो दूसरी जगह आसानी न लिजा सकते हो, ये इतने फिक्स कीतियां हूँ, तुम खाले च पा के पानी लिजा सकते हो, लेकिन तुम जरा प्लेटा अगे पिछे नहीं कर सकते। अगर ताड़ी ट्राली है तो ट्राली का फिर बेनीफिट है, अगर ताड़ा पैनल लगा तो पैनल का सिर्फ यही है कि मजबूती होंगी है। तो दूसरे नंबर से दोस्तों कुछ जबरदस्त किस्म की बारिश हो, जालाबारी हो, अल्लाह ना करे कि तो जालाबारी, दोस्तों इनू क्लोज नहीं किया जा सकता। ट्राली का यह बेनीफिट होंगे कि ट्राली क्लोज हो जाती है, क्लोज हो गए प्लेटा खड़िया हो जाए सीधिया, कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनता। तो जोड़ा सिस्टम हैगा दोस्तों यह जरा ये हूँ, अगर अल्लाह ना करे कि जालाबारी आ जाए तो फिर प्लेटा से नुकसान। तो दोस्तों यह देखो 18 to 22 का इनवेटर आ, अच्छा सैटअप किया हुआ भाई उन्होंने, ये वास्ते एक लहदा कमरा बनाया, कमरे में इनू फिक्स किया हुआ वा, बारिश वगैरह नेरी तूफान आ जाए मुश्किल नहीं है। देखो दोस्तों यह भाई उन्होंने कंट्रोलर लाया, ये AC चलता पाया जो सिस्टम, इतने भाई उन्होंने जो घर बनाया रैश रखी वो सारा सिस्टम ही इस सोलर चलता पाया। देखो वह जोड़ा है कंट्रोलर तो वो ब्रेकर वगैरह सामने दीवार तो लाए, बाकी जो बोर वाला व्डा इनवेटर 18 to 22 का, वह भाई उन्होंने थले एक स्पैशल बेंच के उत्ते फिक्स किया। तो यह देखो दोस्तों यह भाई हुणा दा AC वाला कनैक्शन भाई हुणा ने इस कमरे च किया, जरा इतने मुरबे शरबे का काम देहाती माहौल है, जरा इतने क्लीन वगैरह तो नहीं है, लेकिन चारपाइया ने जबरदस्त सैटअप किया। दोस्तों AC है पुराना मॉडल, बड़े करंट नाल चलता, लेकिन बाहर खुला करंट आ। दोस्तों मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।